हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे सी टेक चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आप लोगों को बताऊंगा मंथली सैलरी स्लिप डिजाइन करना। बिल्कुल फ्रेंड्स, यदि आप इस सैलरी स्लिप को डिजाइन करना सीखते हैं तो आपको लिमिटेड कंपनी में काम करना या फिर जॉब मिलना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताया हूँ यह सैलरी स्लिप डिजाइन करना, वो भी फुल ऑटोमेटिक। आप देख सकते हैं कि कितना आसानी तरीके से पूरा डेटा ऑटोमेटिक आ जा रहा है। तो किस तरह से सारा कुछ बनाना है, चलिए आपको बताता हूँ इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक्सेल ओपन हो गया है, अब यहाँ से चलते हैं व्यू पर। व्यू पर जाके हम अपने पेज को नॉर्मल से पेज लेआउट पे कर लेंगे, जिससे हमारा A4 साइज में आ जाए और प्रिंटेबल हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ से रो को सेट करेंगे। तो उससे पहले चलिए मार्जिन सेट कर लेते हैं। यहाँ पर जाते हैं पेज लेआउट पर, और पेज लेआउट पर जाकर इसके मार्जिन को सबसे कम कर लेते हैं, जैसे 0.75 को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से इससे कम करते हैं और इससे यहाँ से ज़्यादा करते हैं, इस तरह से। इसे हम चार भागों में सेट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4। पहले वाला कॉलम को छोड़ देंगे क्योंकि हमें बॉर्डर बनाना चारों तरफ, तो इसको यहाँ से इस तरह से मर्ज करके होम पे जाकर मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद में इस पे जो भी कंपनी का नेम है, मैं एग्जांपल के तौर पे कंपनी का नाम डाल रहा हूँ सिर्फ सीखने के लिए। वैसे कोई कंपनी का नाम यदि कॉपी होता है, मैच करता है, तो उसके लिए एक इतिफाकी होगा। तो हमने सबसे पहले कंपनी का नाम लिख लिया और यहाँ से हम इसको साइज को बड़ा कर देंगे। जितना आप चाहें उतना बड़ा कर लीजिए, जितना आपको अच्छा लगे, और बोल्ड कर लीजिए। ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब इसके नीचे वाले लाइन को भी हम यहाँ से मर्ज करेंगे और इसमें एड्रेस टाइप कर देंगे, जो भी एड्रेस है। इसका भी साइज़ यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, मैं इसको यहाँ से 14 कर लेता हूँ और इसे नॉर्मल रहने देता हूँ। फिर एक और यहाँ से मर्ज करता हूँ सेल को सेलेक्ट करके, और इसमें टाइप करता हूँ हेडिंग मंथली सैलरी स्लिप, मंथली सैलरी स्लिप, और इसे यहाँ से बोल्ड करके इसे 14 कर देता हूँ। 14 हो गया। और इसके नीचे अंडरलाइन करना है, तो मैं इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ बॉर्डर पर, और इसके बॉटम यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए बॉटम बॉर्डर, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए इसके नीचे अंडरलाइन आ गया। ठीक है, यदि आप हैवी करना चाहते हैं इसके अंडरलाइन को, तब यहाँ से लाइन थिंक इस पर जाकर इसको हैवी कर सकते हैं। आ गया, लगा लिया हमने। तो फ्रेंड्स, हमने ऊपर कंपनी का डिटेल टाइप कर लिया। अब हमें यहाँ पर टाइप करना है एम्प्लॉयज का डिटेल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉय ID, और इसके साथ में यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर लिखेंगे डिजनेशन कि वो क्या काम करता है, और यहाँ पर मंथ एंड ईयर। ठीक है, हमने चार टाइप के लिए। अब हम इसे बॉर्डर दे देते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ऑल बॉर्डर दे देते हैं, और इसे सेलेक्ट करके इसको 14 कर लेते हैं, और इसे भी सेलेक्ट करके यहाँ से 14, चारों को हम 14 साइज दे देते हैं। यहाँ से देखिए 14, और इससे भी 14। अब इसे बोल्ड, दोनों को सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं, इसे भी यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, और इस सबको मतलब सभी को सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं, ताकि हम बाद में इसमें भी टाइप करें तो बोल्ड ही आए। आ गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक और रो को खाली छोड़ देंगे और यहाँ से टाइप करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं अर्निंग, कि अर्निंग के क्या है, सोर्सेस क्या है। ठीक है, अर्निंग हो गया, इसको भी हम 14 कर लेंगे यहाँ से और बोल्ड कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे डिटेक्शन, कि डिटेक्शन में क्या क्या डिटेक्ट हुआ, मतलब क्या चीज़ को सैलरी माइनस किया गया, 14। अब इसके नीचे फ्रेंड्स हम लिखेंगे बेसिक, मतलब बेसिक सैलरी क्या है, बेसिक इसके नीचे लिखेंगे, बोल्ड हो रहा है, इसको नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, साइज हम 14 ही रखेंगे सभी को। और ओवर टाइम, ओवर टाइम जैसे कि मान लीजिए कि 8 घंटे के हिसाब से सैलरी है, अगला 4-4 घंटे रोज़ एक्स्ट्रा लगाया है, तो ओवर टाइम का जो अमाउंट बनेगा यहाँ पर आएगा। और कन्वेंशन, जैसे कि कोई कंपनियाँ होती है जो कि आने जाने का भी खर्चा, जूता वगैरह का हर एक चीज़ का खर्चा देता है, तो कन्वेंशन कर लेंगे, जैसे कोई भाड़ा दिया है, गाड़ी का खर्च दिया है, तो कन्वेंस में आएगा। एक्स्ट्रा इनकम, कोई भी और भी कमीशन वगैरह कुछ अर्न हुए तो एक्स्ट्रा इनकम में डाल देंगे उसे। टोटल एडिशनल क्या हुआ, टोटल एडिशन, ये हो गया। इसके बगल में जैसे कि ये तो होगा कि पूरा अर्निंग सोर्स है, कि हमने इसके सोर्स से पैसे अर्न किए, कमाए। अब डिटेक्शन, कि पैसे जो सैलरी कमाते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें कट जाता है, जैसे कि
प्रोविजनल फंड होता है, ईएसआई होता है, लोन होते हैं, टैक्स होते हैं, या फिर हमने कंपनी से एडवांस ले रखा, वो सब पैसे कटते हैं, तो वो सब डिटेल हम इसमें इस लाइन में डालेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रोविजनल फंड, उसके नीचे ईएसआई। ईएसआई फ्रेंड्स एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होता है, जैसे कि एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है ईएसआई का। अब यहाँ पर डालेंगे लोन। लोन एडवांस जो भी हो, कि यदि कंपनी से एडवांस लिया गया है या फिर लोन, सब एक जैसा ही है, लोन एडवांस। और यहाँ पर टैक्स, यदि पेमेंट ज़्यादा बनता है, कई कंपनियाँ टैक्स भी डिटेक्ट करती है, काटती हैं, तो यहाँ पर टैक्स। और यहाँ पर डालेंगे टोटल डिडक्शन, कि टोटल डिडक्शन कितना हुआ, टोटल डिडक्शन, और नेट सैलरी, कि नेट सैलरी कितना बनता है। यहाँ पर हमने डाला है नेट सैलरी। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कि इनको हम अनबोल्ड कर देते हैं, ठीक है, और इसे भी अनबोल्ड कर देते हैं, ठीक है, ए बोल्ड रहेगा, इसे भी अनबोल्ड कर देते हैं, सिर्फ ए बोल्ड रहेगा ऊपर का। अब इस क्या करेंगे, सभी को बॉर्डर डाल देते हैं यहाँ से, यहाँ पर क्लिक करके बॉर्डर, बॉर्डर आ गया। इसमें क्या करते हैं कि हल्का सा कलर फिल कर देते हैं, हल्का, ठीक है। यदि आपको कलर प्रिंटर से प्रिंट करना है तो आप ये सब कलर सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन मुझे ब्लैक एंड वाइट से प्रिंट करना है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी में, ऑफिस में ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। तो यहाँ से हम इसको हल्का कलर कर देते हैं, ठीक है, ये सब हो गया, और ये भी हो गया यहाँ पर, ठीक है, नेट सैलरी भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब पूरा, अब थोड़ा सा और डिज़ाइन करना है, उसके बाद में हम इसमें सबको डिटेल ऐड करेंगे, फार्मूले वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉय टाइप करते हैं, या फिर इससे हम इतना मर्ज कर लेते हैं, और इससे भी इतना मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉय, और यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टर या मैनेजर जो भी हो, डायरेक्टर। अब इस पे यहाँ पर क्लिक करके डैश डैश डाल देंगे इस तरह से, और यहाँ भी क्लिक करके ऐसे डैश। साइज यदि हम 14 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ भी हम 14 ही रखेंगे साइज, तो हमने साइज 14 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लिए। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, और सिलेक्ट करके इसमें फिल कर देते हैं वाइट कलर, वाइट कलर, ठीक है। और इस पे यहाँ पर लगा लेते हैं ऑल बॉर्डर, ठीक है, चारों तरफ से बॉर्डर लगा लेते हैं, अच्छा लगेगा प्रिंट जब होगा तो। और इसके बाद में जो हम यहाँ कलर फिल किए थे, फिर से यहाँ पर कलर फिल कर लेते हैं 15% ब्लैक, ठीक है, हो गया। तो फ्रेंड्स ये है कि जो हमारा सैलरी स्लिप का डिज़ाइन था, वो कंप्लीट पूरा बनकर तैयार है। यदि आपको कोई मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर अगर डालना हो, तो आप यहाँ पर ऊपर वाले में डिटेल टाइप कर लीजिएगा। बेसिक सिंपल सैलरी स्लिप बनाया हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं टोटल। तो टोटल में क्या हुआ कि इस सब में जितना भी हम इनकम टाइप करेंगे, डिटेल आएगा यहाँ पर, टोटल हो जाएगा। तो क्या कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे बराबर एस यू एम, सम का फार्मूला लगाएंगे ब्रैकेट, और इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इनका तीनों का जोड़ यहाँ आ जाए। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, तो यहाँ पर जीरो भी आ रहा है। अब इधर भी क्या करते हैं कि टोटल डिटेक्शन में यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाते हैं बराबर ब्रैकेट, या फिर सम का ही लगा लेते हैं, सम ब्रैकेट, और इन सब का सिलेक्ट करके यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो जीरो आ रहा है। अब क्या करेंगे कि नेट सैलरी के लिए क्या होगा कि टोटल एडिशन इनकम से हमें डिटेक्शन को माइनस करना होगा, जितना भी हम कमाए उसमें से जो कट गया सैलरी कंपनी की तरफ से, उसको जो माइनस करके जो हमारे पास बचा, वो हमारा नेट सैलरी बना। तो हम करेंगे यहाँ पर बराबर ब्रैकेट, इस को सिलेक्ट करेंगे सेल को, और माइनस प्रेस करेंगे, और इसे माइनस कर देंगे, सिलेक्ट कर लिए, यहाँ देखिए E14 ऐड भी हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो हमारे पास नेट सैलरी यहाँ पर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स आपके पास दो तरीके हैं, चाहे तो आप मैनुअली एम्प्लॉयर आईडी वगैरह टाइप कर लीजिए, ठीक है, नेम टाइप कर लीजिए, ठीक है, सुपरवाइजर मंथ 12/2019 दिसंबर 2019, ठीक है, आपको जो भी टाइप करना है मैनुअली टाइप कर सकते हैं। 15,000 सैलरी है, ठीक है, ओवर टाइम उसने 5,000 रुपये का लगाया गया, बाकी कौन से कुछ भी नहीं है, इनकम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, 20,000 रुपये बना, ठीक है। फंड यहाँ पर कट गया 1500, और ईएसआई कट गया 250 रुपये, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर यदि कोई एडवांस वगैरह लिए गए हैं, तो यहाँ पर 2,000 या 3,000 रुपये इसका काट लिया गया, ठीक है। तो टोटल सैलरी बना 15,250 रुपये काट पीट के। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर
सेलेक्ट करें और ऑटोमेटिक सारा डेटा आ जाए, हमें सब कुछ डिटेल फीड ना करने पड़े, अपने आप फिल हो जाए, अपने आप सैलरी स्लिप बन जाए। तो ये तो था कि मैनुअली आप बना सकते हैं, मैनुअली इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। सिर्फ आप इसमें एम्प्लॉय आईडी डालेंगे और सब कुछ आ जाएगा। कैसे किया जाता है चलिए आपको बताता हूँ। उससे पहले हम इसको सबको डिलीट कर लेते हैं जो भी हम टाइप किए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कि मैं फर्स्ट शीट पर कुछ डेटा टाइप कर रखा हूँ, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, मंथ एंड ईयर, बेसिक, ओवरटाइम अमाउंट, कन्वेंसेंस, प्रोविजनल फंड, ESI, लोन, टैक्स एंड नेट सैलरी। तो इस तरह से मैं कुछ डिटेल टाइप कर रखा हूँ। इस तरह से आपको पूरा डेटा टाइप करना होगा। इसका फायदा यह है कि आप एक साथ में पूरा लोगों का भी डिटेल चेक कर सकते हैं और अलग अलग लोगों का सैलरी भी बना सकते हैं। आपको बताता हूँ किस तरह से इसको ऑटोमेटिक बनाना है। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी पर इस तरह सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डेटा पे जाएंगे और डाटा वैलिडेशन और यहाँ पर एक लिस्ट बनाना है हमें इसमें सेलेक्ट करने वाला। तो यहाँ पर जाएंगे एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट और सर्च पे क्लिक करके यहाँ पर और फर्स्ट सीट पे चले जाएंगे और इस तरह से हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे जितना भी डेटा है और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको उस सब का आईडी नंबर आने लगा। जरूरी नहीं कि आप लिस्ट से सेलेक्ट कीजिए, आप नॉर्मल यहाँ पर A101 टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस तरह से, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 101 सेलेक्ट कर लिया। अब हमें एम्प्लॉय नेम लाना है। तो एम्प्लॉय नेम लाने के लिए हमें वी लुकअप का फार्मूला लगाना होगा। तो हम एक बार फार्मूला लगाएंगे, बाकी सब में कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं बराबर वी लुकअप ब्रैकेट। अब हम कहते हैं लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारा क्या रहेगा, किसके थ्रू आएगा, क्या चेंज करेंगे तो हमारा डिटेल चेंज होगा। तो हमारा चेंज होगा इसके थ्रू आएगा ना, एम्प्लॉय आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एम्प्लॉय आईडी को, लुकअप वैल्यू और इसको कॉमा। अब आता है टेबल एरे। तो टेबल एरे हमें टेबल पूरा सिलेक्ट करना है जहाँ से डेटा आएगा। तो हम शीट वन पे जाते हैं और पूरा को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, जितना भी डेटा इसमें है इतना भी है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आ रहा है टेबल एरे आ गया। अब इसको हम कॉमा करते हैं। अब आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर कि आप कौन से कॉलम से उठाना चाहते हो। तो यदि हम यहाँ से सेलेक्ट किए हैं तो नेम हमारा सेकंड कॉलम पे हुआ। यदि हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो सेकंड कॉलम यहाँ होता। इसका मतलब है कि आप जहाँ से सेलेक्ट करें वहाँ से कॉलम गिने, ना कि ऊपर वाले हिसाब से कॉलम गिने, सिलेक्शन के हिसाब से कॉलम को आप गिनती करें। तो हम यहाँ पर टू टाइप करेंगे क्योंकि हमारा जो नेम है दो नंबर कॉलम पर है। तो टू कॉमा, अब आ रहा है ट्रू और फॉल्स। तो उसके लिए हम जीरो, ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए यहाँ पर श्याम सिंह आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं श्याम सिंह है तो बिल्कुल सही, श्याम सिंह आ गया। अब डिजिनेशन यहाँ पर तीन नंबर पे है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करेंगे, Ctrl+C कॉपी एस्केप, और इस पे आएंगे और यहाँ से Ctrl+V करेंगे, ठीक है। नेम आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो कॉलम इंडेक्स कॉलम नंबर है यहाँ पर दो है, इसको हम तीन कर देंगे बस। तो यहाँ पर देखिए ग्रेंडर ऑपरेटर आ गया। मंथ ईयर के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ चार करना होगा क्योंकि कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है और कुछ नहीं। तो चार, तो देखिए दिसंबर 19 आ गया बिल्कुल, जैसे कि हमने एक इसके लिए रखा, दो इसके लिए रखा, तीन इसके लिए रखा, चार इसके लिए रखा। अब बेसिक पे के लिए हम पाँच रखेंगे। तो यहाँ पर हम उसी फार्मूले को पेस्ट करते हैं जो कि पहले में कॉपी किए थे और इससे दो के जगह पे पाँच कर लेंगे, ठीक है। ओवर टाइम उसके बाद क्या है, ओवर टाइम है तो ओवर टाइम छः नंबर आएगा। तो यहाँ से हम इसको Ctrl+V करके छः नंबर कर लेंगे। कॉन्वेंसेंस सात नंबर, तो हम इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पर सात नंबर कर लेंगे। आप एक एक करके भी फार्मूला लगा सकते हैं, मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि बार बार सिलेक्शन ना करने पड़े। अब इस पर भी हम कर लेते हैं एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम इसमें है, ठीक है, आठ नंबर पे है तो ठीक है। हम यहाँ से Ctrl+V, कॉलम नंबर आठ है तो यहाँ से हम एट सेलेक्ट करके एंटर कर लेते हैं। टोटल हमें है नहीं क्योंकि टोटल ऑटोमेटिक ये सबको हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोविडेंट फंड करते हैं कितना नंबर पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7
एट नाइन नंबर पे है। तो हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे फार्मूला को जो कि हम यहाँ से कॉपी किए थे और इसको नाइन नंबर कर देंगे। देखिए आ गया। अब ई एस आई टेन नंबर होगा, यहाँ से देख भी लीजिएगा आप एक बार, गलत ना हो जाए। देख लेते हैं ई एस आई 240 सही आया, ठीक है 240 सही आया। 10 तो ये 11 नंबर हो जाएगा लोन। यहाँ पर कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ से 11 नंबर कर लेते हैं। ये जल्दी हो जाता है कॉपी पेस्ट करने से। अब 12 नंबर टैक्स, 12 नंबर टैक्स, तो टैक्स भी है 12 नंबर। अब नेट सैलरी रहने देते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा। तो देखिए तो टोटल यहाँ पर देखिए आ गया एडिशनल सैलरी, एडिशनल टोटल एडिशन क्या है तो 17,500 और डिटेक्ट करके 1440 पे डिटेक्ट हो गया। तो दोनों इसमें से एडिशन में से डिटेक्शन को मैनेज कर दिए, टोटल बना नेट सैलरी 16,060 रुपये। अब हम यहाँ से सिर्फ डिटेल चेंज करेंगे। देखिए 14,820, यहाँ से हम 10 नंबर करते हैं 10,000 बन गया, 9 नंबर करते हैं 10 नंबर करते हैं 7,580 रुपये। नाम भी चेंज हो गया साहिल दिसंबर 2019। यदि आपको उसको पूरा लाना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके होम पर जाकर और यहाँ से आप लॉन्ग डेट शॉर्ट डेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इस पर सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल पे जाकर और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा रखना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। देखिए मंथ है तो वाई वाई आप 4 बार टाइप कर दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए पूरा आने लग गया। तो यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं, डेटा चेंज हो रहा है। देखिए अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसको प्रिंट एरिया सेट करने का कि प्रिंट कैसे होगा। यहाँ थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं। देखिए तो हमें चलना है पेज लेआउट पर, ठीक है, और पूरा जितना भी है हम सेलेक्ट करना है। हमें सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जाना है प्रिंट एरिया और सेट प्रिंट एरिया पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से जब हम कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर सा डिजाइन में काफ़ी अच्छा लग रहा है मंथली सैलरी स्लिप। तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है। बस आपको यहाँ से कार्ड नंबर चेंज करना है और प्रिंट कर देना है, पूरा का पूरा सैलरी स्लिप जनरेट हो जाएगा बस साइन करके, ओके। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने कोशिश की आपको बताने का कि मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बता सकूं जिससे आपको आसानी से समझ आ सके। और मैंने एडवांस फार्मूले का भी यूज़ किया है और बेसिक फार्मूले का भी यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स बताइए कि, तो फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं इस शीट को डाउनलोड करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब उस पर क्लिक करके इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक पर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय।